यहाँ का जो प्रत्याशी जेएमएम के विजय हांसदा जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा है, और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और ईडी गठबंधन की सरकार जो झारखंड में चल रही है, ये पर्याप्त एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि इस क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और इस बार निश्चित रूप से ताला मरांडी जी विजयी होंगे। उसके हिसाब से मोदी जी निश्चित रूप से 400 पार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं। वो लोग ईडी और सीबीआई को बदनाम कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई भारत सरकार की स्वतंत्र एजेंसियां हैं और वो अपने हिसाब से काम करती हैं। आप यह बताइए हमको कि अगर कोई चोरी नहीं करेगा तो क्या उसको जेल भेजा जा सकता है? हिंदुस्तान के कानून में ऐसा कोई व्यवस्था है? से चुनाव जीतते हैं तो हम लोग केंद्र से भी मांग करेंगे कि साहेबगंज जिला को और पूरे झारखंड में जो ये काला कानून खास महल का लगा हुआ है, इसका निराकरण हो और यहाँ की जनता को सुख सुविधा और उसका फैसिलिटी जो मिलना चाहिए। कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पुख्ता सबूत के हिसाब से ही इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, करोड़ों करोड़ रुपया उनके पीए नौकर के यहाँ प्राप्त हो रहा है। मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, यही तो मोदी जी की गारंटी है। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज। आज हम लोग एक बार फिर राजमहल लोकसभा सीट का चुनावी दौरा करने के लिए पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव का 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और आखिरी मतदान आपका 1 जून को होना है, जिसकी तैयारी को लेकर सभी दल के प्रत्याशी अपने अपने चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, और जितने भी यहाँ के दल हैं। और अभी हम लोग बात करेंगे राजमहल लोकसभा चुनाव का कि यहाँ पे एनडीए से ताला मरांडी जी हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विजय हांसदा जी हैं, और इन दोनों में कई टक्कर देखने को मिल रही है। तो आज हम इस पर सवाल जवाब करने के लिए आज हमारे साथ में एनडीए के पक्ष के एक भाजपा नेता सुनील सिंह जी हमारे साथ। हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या रणनीति है और उनके द्वारा क्या तैयारी की जा रही है इस पूरे क्षेत्र में। तो आपका पहले स्वागत है सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अटल भारत न्यूज के जो भी सदस्य हैं, आप लोग आए हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो पहला सवाल ये रहेगा कि राजमहल जो आपका चुनाव है यहाँ पे चल रहा है, तैयारी चल रही है एनडीए का, तो ताला मरांडी को जिताने के लिए आप लोग की तैयारी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी मेहनत करके नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल का हमारा भारत को जो उन्होंने सेवा देने का काम किया है, इसका परिणाम ऐसा आ रहा है कि आज हम लोग जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो बच्चा बूढ़ा जवान सबके दिलों पर मोदी जी राज कर रहे हैं। खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं की जो आबादी है वो मोदीमय हो गया है, और निश्चित रूप से इस बार ताला मरांडी जी राजमहल लोकसभा चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा पार्टी के तरफ से प्रयास है, और काफ़ी लगन से सभी हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव मैदान में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, जेएमएम के प्रत्याशी हैं, ईडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, विजय हांसदा जी, क्षेत्र में जब मैं हम लोग जनसंपर्क में जाते हैं काफ़ी उनका विरोध हो रहा है। सभी जगह लोग कहते हैं कि 10 साल में सांसद को हम लोगों ने देखा नहीं, और हमारा राजमहल लोकसभा मोदी जी के प्रयास से और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक अनंत ओझा जी के प्रयास से जो भी चीज़ विकास की योजनाएं नज़र आ रही है, ये भारत सरकार की ही योजनाएँ नज़र आ रही है, और हम जो पिछड़ रहे हैं राजमहल लोकसभा में, यहाँ का जो प्रत्याशी जेएमएम के विजय हांसदा जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा है, और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और ईडी गठबंधन की सरकार जो झारखंड में चल रही है, ये पर्याप्त एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के मीडिया के माध्यम से आप जनता देख रही है, जनता होशियार हो चुकी है, समझ चुकी है कि यदि इस क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और इस बार निश्चित रूप से ताला मरांडी जी विजयी होंगे। तो यहाँ जो राजमहल सभा का जो खास मुद्दा अभी देखा जा रहा है, लेकिन जो खास महल का मुद्दा है, जो एक काला कानून है, धब्बा है साहेबगंज जिला के लिए, इसको दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? जहाँ तक खास महल का काला कानून है,
ये ब्रिटिश काल से थोपा हुआ कानून है। भारतीय जनता पार्टी की जब जब यहाँ सरकार रही, चाहे वो अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही हो, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार रही हो, या फिर रघुवर दास जी की सरकार रही हो, इस खास महल पर काफ़ी काम करने का प्रयास किया गया था। हमारे माननीय विधायक राजमहल अनंत ओझा जी भी विधान सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मामले को उठाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि आज तक हम लोग इसका निपटारा नहीं कर पाए हैं। इस बार यदि हमारे प्रत्याशी राजमहल लोकसभा से चुनाव जीतते हैं तो हम लोग केंद्र से भी मांग करेंगे कि साहेबगंज जिला को और पूरे झारखंड में जो ये काला कानून खास महल का लगा हुआ है, इसका निराकरण हो और यहाँ की जनता को सुख सुविधा और उसका फैसिलिटी जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। और भरसक प्रयास होगा कि इस बार हमारी लोकसभा तो हम जीतेंगे ही, झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी और इस काला कानून को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। तो मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, ये होगा? आज हम काफी अस्वस्थ होकर यह कहना चाहते हैं कि 6 चरण का चुनाव लगभग समाप्त हो गया, अब 7वां चरण की तैयारी है और जो भी अभी तक समझ में आ रहा है हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र में सभी राज्यों से जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से मोदी जी निश्चित रूप से 400 पार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो भी 2 प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, उनका आरोप है कि भाजपा ईडी और सीबीआई को लेकर हमेशा गलत गलत तरह का काम करवाती है जिससे कि विपक्ष को परेशानी होती है और इसके बलबूते वो चुनाव को जीतना चाह रही है, इसमें क्या कहना? देखिए, ये तो अब विपक्षी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सरकार के जो लोग हैं, विपक्षी ईडी गठबंधन के जो लोग हैं, आप पूरा हश्र देख रहे हैं कि वो लोग ईडी और सीबीआई को बदनाम कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई भारत सरकार की स्वतंत्र एजेंसियां हैं और वो अपने हिसाब से काम करती हैं। आप यह बताइए हमको कि अगर कोई चोरी नहीं करेगा तो क्या उसको जेल भेजा जा सकता है? हिंदुस्तान के कानून में ऐसा कोई कानून व्यवस्था है क्या? ऐसी कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पुख्ता सबूत के हिसाब से ही इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, करोड़ों करोड़ रुपया उनके पीए नौकर के यहाँ प्राप्त हो रहा है। मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, यही तो मोदी जी की गारंटी है कि इस देश को हम वैभव तक पहुंचाएं, ये मोदी जी का सपना है। और इस राज्य ही नहीं, ये पूरे देश में जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां ईडी और सीबीआई अपना काम करने का काम कर रही है। तो इस बार मतलब कि एनडीए ऐसा दावा कर रही है कि हम झारखंड की 14 सीटों पर इस बार भाजपा का राज होगा, इसलिए देखिए हमारा झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, मतलब जो गठबंधन हमारा एनडीए का गठबंधन है, 12-13 सीट पर तो भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक जगह हम लोगों ने आशु को सीट दिया है और हम 14 सीट जीत रहे हैं। एकदम आश्वस्त रहिए आप लोग, मोदी जी की 400 पार की सरकार बनेगी। कहना है कि राजमहल लोकसभा सीट पर हमारी चुनावी तैयारी पूरी जमकर है और हम लोग हर जगह मेहनत कर रहे हैं और इनका कहना है कि राजमहल सीट हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावे झारखंड के जो 14 सीट है वहां पे भी अपना हम दमखम दिखाते हुए सभी सीटों पर अपना जीत हासिल कर रहे हैं और मोदी जी का जो नारा है 400 के पार वो भी हम पूरी तरह से 400 से अधिक सीट ही ला रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।